हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ 3D, और 3D के अंदर मैं आपके सामने कवर करने वाला हूँ लाइक प्लेन है, उसके बाद कौन है, स्फीयर है, सिलेंडर है। एंड उसके बाद सेंट्रल कॉनिकॉइड है एंड जनरिंग लाइंस है। तो पूरे जो कंसेप्ट है ये सब मैं कवर करने वाला हूं, पर आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं प्लेन, और प्लेन का जो यूज है वो स्फीयर और कॉन और सिलेंडर में आता है। तो जितना यूज है उतना ही मैं आपको प्लेन में बताने वाला हूं। आज मैं क्लास के अंदर कवर करने वाला हूं फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट देखिए, बात करेंगे प्लेन होता क्या है। तो प्लेन यहां पे क्या होता है, अ सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस लाई होली इन द सरफेस। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर हम एक सरफेस लें और सरफेस में दो पॉइंट लें और उन दोनों पॉइंट को मिलाएं तो वो जो लाइन है वो उस सरफेस के अंदर लाई करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो जो सरफेस होता है वो हमारे पास यहां पे प्लेन कहलाता है, राइट। स्टूडेंट बात करेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो यहां पे अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन की अलग अलग टाइप की फॉर्म होती है वैसे यहां पे होती है। सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन यहां पे ये होती है, ax plus by plus cz plus d is equal to 0। ऑब्वियसली यहां पे तीनों डायमेंशन होगा x y z क्योंकि 3D का टॉपिक है ना, तो अल्टीमेटली जो प्लेन होता है वो पूरा एक्स वाई जेड तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स को दिखाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी ax plus by plus cz plus d is equal to 0। इसमें एग्जांपल लेते हैं, 3x plus y plus 2z plus 4 is equal to 0 is a general equation of the प्लेन। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे इंटरसेक्ट फॉर्म होती है, टू डायमेंशन के अंदर स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्ट फॉर्म होता है, वैसे ही यहाँ पे प्लेन का होता है। जैसे हमारे पास एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 है ना। इसका मतलब क्या होता है सुनिए यहाँ पे कि ये जो प्लेन होता है ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे बनाते हैं, इसमें यहाँ पे अगर इसको ले यहाँ पे तो यार हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्लेन होगा ये इस टाइप का होगा, राइट, जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस को ए कोमा जीरो कोमा जीरो पे कट करेगा, इसको जीरो कोमा बी कोमा जीरो पे कट करेगा, इसको जीरो कोमा सी पे कट करेगा, राइट। और ये अब ये एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है और ये इसका जेड एक्सिस है। इस प्लेन को हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये होता है सुनिए यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन दे रखा है, ये हमारे पास कोई प्लेन है, राइट, है ना, और ये प्लेन इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पी दे रखी है, राइट, और इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हमारे पास दे रखे हैं एल एम एन, राइट। तो इसकी जो इक्वेशन होगी नॉर्मल फॉर्म में वो हमारे पास होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होती है पी होती है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर एक्चुअली होगा वो इक्वेशन तो वही होगी, राइट, तरीके अलग अलग हो सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के, राइट। तो ये हमारे पास क्या होती है इसमें नॉर्मल फॉर्म होती है, क्लियर है। इसमें बात करेंगे आगे वन पॉइंट फॉर्म क्या होती है। अगर हमारे पास कोई भी प्लेन है, आपको ये देखा कि यार ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो सुनो हमारे पास मान लीजिए एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो होता है। तो ये हमारे पास वन पॉइंट फॉर्म होता है। सो इन थ्री पॉइंट फॉर्म होता है, यहाँ पे अगर हमारे पास दे रखा है कि एक प्लेन है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है। इसको करने के हमारे पास एक तरीका तो ये होता है कि लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, फिर हम इससे पास करवाएं, फिर हम इससे पास कराएं, फिर हम इससे पास करें, फिर हमारे पास ए बी सी डी यहाँ पे चार हमारे पास कॉन्स्टेंट होते हैं, इससे हम क्या करें कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल के रखें। या फिर हमारे पास एक तरीका ये होता है कि एक्स वाई जेड वन कर दें, फिर यहाँ पे पहला पॉइंट रख दीजिए, दूसरा पॉइंट रख दीजिए, तीसरा पॉइंट रख दीजिए, वन वन ऐसा करके बराबर जीरो रख दीजिए, हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा इसकी प्लेन की इक्वेशन आएगी। ऐसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे, याद है हमारे पास दो पॉइंट दे रखे एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, तो यहाँ पे हमारे पास आता है एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एंड एक्स टू वाई टू वन, है ना। ट्राइंगल का एरिया भी हम इस तरह से निकाल देते हैं, क्लियर है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 5, माइनस 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन OP इज वेयर O इज द ओरिजिन, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है यहां पे कि हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, और यहां पे जो ये OP है ये इसके क्या है परपेंडिकुलर है, जहां पर O हमारे पास क्या दे रखा है ओरिजिन दे रखा है। तो सुनिए एक्चुअली हमारे पास नॉर्मल फॉर्म टाइप का हो रहा है, क्योंकि यहां से हमारे पास ये जो है ये आ रही क्या हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, तो इसको हम अगर स्मॉल p ले लें, राइट, है ना। तो हमारे पास यहां पे जो इसकी इक्वेशन का फॉर्म होता है वो क्या होता है सुन, एल एक्स प्लस एम वाई
प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, पर बहुत दुख की बात यह कि हमारे पास एलिमेंट नहीं गिवन है, राइट? तो एलिमेंट निकालने का हमारे पास क्या होता है, इस ये जो पॉइंट दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 2, 4, 2, 5, -3, और ये पॉइंट हमारे पास दे रखा है 0, 0, 0. तो इस सुनकर हमें यहाँ पे इसका एलिमेंट निकालना है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके डायरेक्शन रेशियो. तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंस, राइट? तो हमारे पास इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 -0, 5 -0 and -3 -0, राइट? ये हमारे पास क्या आएंगे, इसके डायरेक्शन मतलब ए बी सी आएंगे, पर हमें तो निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, राइट? तो डायरेक्शन कोसाइन में हम जानते हैं ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, पर हमें अगर एल निकालना तो ये आता है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता, राइट? तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 2, फिर इसका स्क्वायर करके नीचे रख दीजिए तो ये आएगा हमारे पास 4 + 25 + 9, राइट? इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो आई थिंक ये आ जाएगा हमारे पास 2/√38, क्लियर है? तो ये हमारे पास एल आ जाएगा. इसी टाइप से हम एम निकालेंगे, इसी टाइप से हम एन निकालेंगे, इन सब की वैल्यू यहाँ रखेंगे. और पी हमारे पास यहाँ पे क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास अगर दो पॉइंट दे रखे तो आराम से उसके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट? तो डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी, ये सब वैल्यू उठा कर रखेंगे, आपका आंसर आएगा, राइट? तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो एल की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2√38, है ना? इसी टाइप से अगर हम एम निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5/√38, एंड अगर एन निकालेंगे तो ये आएगा -3/√38, राइट? और यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस निकालें तो हम जानते हैं सुन डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, दिस. तो सुन हम जानते हैं यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 9, अगेन दिस इज √38, राइट? अब ये सब वैल्यू रख दीजिए आप तो इसमें ये आएगा हमारे पास 2√38 एक्स हो जाएगा, प्लस ये आएगा हमारे पास 5√38 वाई हो जाएगा, माइनस ये आएगा हमारे पास 3/√38 जेड हो जाएगा, और सुन इसकी वैल्यू हमारे पास √38 हो जाएगी. सुन √38 को उधर लेके चले जाइए, सो ये आएगा हमारे पास 2x + 5y - 3z = 38. सुन ये हमारे पास क्या जाएगी, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, राइट? तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. सुन डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का जो कंसेप्ट है आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. जो काम की चीज़ें जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे पूछी जाती है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. आगे बढ़ते हैं, सुन इसमें बात करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लान. अब हमारे पास अगर दो प्लेन दे रखे हैं, उन दोनों प्लेन के बीच में अगर हमें एंगल निकालना, तो सुन एंगल निकालने के हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास a1x b1y c1z + d1 = 0, a2x b2y c2z + d2 = 0. तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1 a2, राइट, है ना, प्लस यहाँ पे आएगा b1 b2, राइट, प्लस c1 c2, क्लियर है? एंड अंडर रूट ऑफ यहाँ आएगा हमारे पास a1² + b1² + c1² एंड अंडर रूट ऑफ a2² + b2² + c2² सुन ये हमारे पास फार्मूला. तो कभी कभी हमें एग्जाम में क्या दे रखा है, डायरेक्शन यहाँ पे कोसाइन दे रखे हैं, तो डायरेक्शन अगर कोसाइन दे रखे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, l1 m1 n1 हो जाएगा, l2 m2 n2 हो जाएगा, राइट, है ना? अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तो उस वाले केस में फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, l1 l2 + m1 m2 + n1 n2, राइट, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे आएगा हमारे पास l1² m1² n1² राइट, एंड अंडर रूट ऑफ ये आएगा l2² m2² n2² राइट. इसमें अगर हमारे पास ये बोला जाए कि दोनों जो प्लान है वो आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा अगर हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हम क्या करेंगे, cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सुनिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन मिलती है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0. तो अगर हमारे पास दोनों प्लेन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है या परपेंडिकुलर है तो हमारे पास ये कंडीशन होती है. अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे हम ऐसा रख सकते हैं l1 l2 + m1 m2 + n1 n2, है ना? अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो भी हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा, क्लियर है? अब ये बात होती है कि अगर हमारे पास एंगल जो है वो 0 डिग्री, मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 0, है ना? तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो अगर आप इसको यहाँ पे cos 0 रखेंगे, 1 करेंगे, एंड देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज a1 a2 b1 b2 and c1 c2, है ना? इनके डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, राइट? अगर ऐसा होता है तो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, पैरेलल होती है, राइट? ऐसा हम डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी समझ सकते हैं. इसमें यहाँ पे मैंने समझा रखा है, ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है तो cos थीटा 0 हो जाएगा, ये रिलेशन आएगा. अगर हमारे पास यहाँ पे पैरेलल है तो थीटा 0 आएगा, दैट टाइम हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा. इसमें जैसे हम समझ सकते हैं यहाँ पे इन दोनों को देखिए आप, ये लाइन है और ये लाइन है. अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों लाइन के बीच में क्या, मतलब ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, तो आप देख रहे हो यार इसका, ये इसका डबल हो रहा, देखो आप ये यहाँ पे इसका डबल हो रहा, राइट? ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है. इसका मतलब ये लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. हाँ, एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, अगर यहाँ पे टू
ये यहां पे डबल हो रहा है, यहां पे डबल हो रहा है, ये भी अगर डबल हो जाता, मान लीजिए ये फोर हो जाता, तो एक्चुअली ये लाइन एक ही होती, राइट, ये कोइंसाइड करते है ना, पर यहां पे कांस्टेंट डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, राइट, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई पैरेलल दे रखा है, प्लेन दे रखा है, राइट, ये प्लेन दे रखा है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, और मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, ये मान लेते हैं पी Q एंड R, राइट, ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे, आपसे पूछे कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, तो सुन इस डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जहां पर भी X होता है हम कैपिटल P रखेंगे, है ना, जहां पर Y होता है वहां पर हम U रखेंगे, यहां पर हम R रखेंगे, प्लस का D अपॉन अंडर रूट ऑफ इसके X कोएफिशिएंट का स्क्वायर Y, वही जैसे हम टू डायमेंशन में करते हैं वैसे का वैसे ही करेंगे, नया कुछ भी नहीं है, वो का वही कंसेप्ट यहां पर यूज होने वाला, और ये यहां पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो सुन ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है, मैंने पॉइंट X1 Y1 Z1 ले लिया, यहां पे मैंने PQR ले रखा है, तो कोई बात नहीं, एक ही कहानी है, राइट, है ना। अगर हमारे पास ये देखा जाए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू द प्लेन दिस, तो इसमें क्या करेंगे, जहां पर भी x वहां 0, जहां y वहां पे 0, जहां z वहां 0, बचेगा 4 अंडर रूट ऑफ इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आएगा, तो 4 बाय रूट 11 क्या आएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, राइट। आगे बढ़ता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस करके बताता हूँ, जैसे बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन द प्लान दिस एंड दिस, तो हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो ए वन की वैल्यू 2 है, बी वन की वैल्यू -1 है, सी वन की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप देखो तो इसमें ए टू की वैल्यू 1 है, एन बी टू की वैल्यू 1 है, एन सी टू की वैल्यू हमारे पास 2 है, राइट, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा क्या आता है, इसमें ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये आएगा ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर एंड सी वन स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर सॉरी एंड बी टू स्क्वायर एंड सी टू स्क्वायर होगा, तो सुन यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ये करेंगे तो -1 आएगा, ये करेंगे तो 2 आएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 1 प्लस 1 है ना, इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर लिया, इसी टाइप से हम इसका भी करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा, राइट, इसमें जब सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, ये हमारे पास रूट 6 है, ये हमारे पास रूट 6 है, हम देख रहे हैं 3/6 आएगा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो सुन कॉस थीटा 1/2 किस पे होता है, पाई बाय 3 पे होता है, मतलब इन दोनों एंगल के बीच में जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्विन 60 डिग्री होगा, राइट, तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। स्विन बात करेंगे यहाँ पे, आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन टू दिस पॉइंट, तो अल्टीमेटली आपसे पूछ रहा है कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो हम जानते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास 1 2 0 है, राइट, और यार ये हमारे पास प्लेन दे रखा है, क्लियर है, और इस प्लेन को हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3y प्लस 12z है ना प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, जहाँ पर भी x है वहाँ 1 रखिए, जहाँ y है वहाँ पे 2 रखिए, जहाँ z है वहाँ पे 0 रखिए, प्लस का 16, इसमें नीचे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 144 हो जाएगा, राइट, और ये मॉडुलस आएगा, राइट, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 6 और 4 10 10 और ये तो हो जाएगा हमारे पास 26 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या रहा है, सुन 144 एंड 16 करेंगे 169 आ रहा, और 169 का जो रूट होता है वो हमारे पास क्या था 13, तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगी 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 2 यूनिट आएगी, राइट, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके सामने, एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, इसमें हमारे पास बोला है कि एक प्लेन है जो इस वाई जेड प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, राइट, और इन दोनों पॉइंट से क्या हो रहा है पास हो रहा है, राइट, सो सुन देखिए कैसे करेंगे इसको, हम पहले प्लेन की इक्वेशन को अज्यूम करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, अब हमारे पास यहां पे क्या दे रखा है, ये जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, सुन इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, तो सुन वाई जेड प्लेन की जो इक्वेशन होती वो हमारे पास क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो होती है, क्योंकि वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, राइट, तो यार हमारे पास एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन ये हो गया, इसमें हम जानते हैं कि अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो यहां पे कंडीशन होती है, मैंने एक एंगल के फार्मूले से बताई थी, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू यहां पे क्या होता है जीरो होता है, तो सुन यहां पे ए वन ए टू ए वन बी वन सी वन ये है, एंड यहां पे हमारे पास दूसरा जो प्लेन है उसमें सिर्फ हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट मतलब सिर्फ ए टू दे रखा है, बाकी सब जीरो है, तो सुन ये सब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं वन डॉट ए आ जाएगा प्लस यहाँ पे बी डॉट जीरो आएगा प्लस सी डॉट जीरो आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो, तो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो सुन ये ए इज इक्वल टू जीरो यहाँ रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इसमें हमें क्या करना है बी सी डी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये दो पॉइंट्स हम पास करा के ये वाला काम भी कर लेंगे, राइट, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अब चूंकि ये प्लेन
इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा, तो इन दोनों पॉइंट को ये प्लेन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे बात करेंगे 8, 1, -2, 4, जब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसमें हम जानते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2b एंड प्लस का 4c प्लस का d इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी बात करेंगे एट ये आएगा 3, -4, 5, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस का 4b हो जाएगा प्लस का 5c हो जाएगा प्लस का d इज इक्वल टू 0, राइट। तो सुन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो बी सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल है, राइट। और चूंकि इक्वेशन हमारे पास ये क्या हो रही, लाइक बराबर जीरो हो रही, तो हमें इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे डिवाइडेड डिवाइडेड बाय, राइट। अब हमें b की वैल्यू निकालते, तो क्या करेंगे, इसमें दिस इंटू दिस है ना, मतलब वही डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट लगेगा, दिस माइनस दिस, राइट। तो ये हो जाएगा 4 -5, राइट। अब हम c के बारे में बात करें तो सुन यहाँ पे माइनस आ जाता है एंड देन ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये आएगा माइनस का 2 है ना, एंड ये करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, राइट। इसमें जब इसके बारे में बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई थिंक ये माइनस का 10 है एंड ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 16 है ना। और बराबर यहाँ पे आप चाहो तो कुछ वैल्यू मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए, वैसे कुछ भी मानेंगे आप, मान लीजिए ये टी मान लिया, राइट, या लैम्डा मान लिया, राइट। तो जो भी वैल्यू मानेंगे फिर लैम्डा हमारे पास कहाँ चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा, राइट। तो इसमें हमारे पास बी की जो वैल्यू होगी, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो इसमें बी की जो वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आएगी, इसमें ये माइनस का लैम्डा आएगा क्योंकि नीचे माइनस वन आ रहा, तो इसको कर देंगे, राइट। इसी टाइप से हम सी के बारे में बात करेंगे तो सुनिए हमारे पास आएगा माइनस का सी और टू आ रहा है, तो 2 उधर गया तो c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 लैम्डा आ जाएगा, राइट। इसी टाइप से हम d के बारे में बात करेंगे तो 6 आ रहा है, तो सुन d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 लैम्डा आएगा। सुन ये सब वैल्यू उठा के आपका कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, राइट। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा, सुन ये आएगा माइनस का लैम्डा वाई एंड माइनस का 2 लैम्डा जेड एंड प्लस का 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सुन लैम्डा गया 0 में और माइनस भी गया 0 में, तो वाई प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यार ये हमारे पास क्या आएगा, ये प्लेन का इक्वेशन आएगा। इस तरह से हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं कि ओरिजिन से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यहां पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा प्लीज मुझे ये बताइए। सुन लास्ट में मेरी वीडियोस यहाँ देख सकते हैं, जहां पर मैंने 2D है, कॉनिक सेक्शन है, पॉलर फॉर्म ऑफ द कॉनिक, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें मेरा जो नया चैनल, इस पर काफी अच्छा काम कर रहा हूँ, जहां पर जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस आप देख सकते हैं, CSR एंड गेट एग्जाम पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। नया चैनल को यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिए। धन्यवाद।